हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। है कि बीजेपी राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने में कामयाब हो जाए, लेकिन इसे आगे बढ़ाने के बाद उसके कौन कौन से रुके हुए काम पूरे होंगे, ये सोचने वाली बात है। कई मुद्दे हैं जिनसे निपटना बीजेपी के लिए बेहद जरूरी है। परिसीमन को लेकर बीजेपी कितनी गंभीर है, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि गृह मंत्री ने जब अपना काम शुरू किया था और पहली बैठक बुलाई थी, तब इस एक मुद्दे को लेकर काफी सारी चर्चाएं की गई थी और बाद में पता चला था कि सरकार परिसीमन कराने को लेकर बड़े कदम उठा सकती है। आपको बता दें कि साल 1995 में आखिरी बार जम्मू कश्मीर का परिसीमन हुआ था। नियम के मुताबिक परिसीमन 2002 में होना था, लेकिन तत्कालीन सीएम फारूक अब्दुल्ला ने 2026 तक के लिए इस पर रोक लगा दी थी, पर अब राष्ट्रपति शासन लगे होने के कारण पार्टी इस पर दोबारा सोच सकती है। धारा 370 को लेकर बीजेपी ने जितने वादे किए हैं किसी भी राजनीतिक पार्टी ने नहीं किए होंगे। इसी धारा 370 के रथ पर सवार होकर पार्टी जम्मू कश्मीर विधानसभा तक पहुंच गई थी, हालांकि वहां वो कुछ खास कमाल नहीं कर सकी। चुनावों के समय भी 370 को लेकर कई सारे सवाल पार्टी को घेरे खड़े थे, लेकिन पार्टी किसी तरह राष्ट्रवाद की चादर ओढ़कर बच निकली। पर अब लगता है कि इस 370 पर उसे सोचना पड़ेगा, वरना काम खराब हो जाएगा। खुद गृह मंत्री ने चुनावों के समय ये कहा था कि धारा 370 को हटाने का काम सिर्फ मोदी जी ही कर सकते हैं। ऐसे में जनता ने उन्हें बहुमत देकर संसद भेज दिया और अब पार्टी को पूरी गंभीरता से इसके बारे में सोचना ही पड़ेगा। शायद आने वाले कुछ समय में पार्टी इसका कोई न कोई हल निकाल ले। 6 माह के लिए ये राष्ट्रपति शासन को बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी राज्य में विधानसभा का अस्तित्व नहीं है। महोदय, चुनाव आयोग ने भी इसके पहले जम्मू कश्मीर प्रशासन, भारत सरकार, सभी राजनीतिक दलों से बात कर और वहां की कानून और व्यवस्था की स्थिति, इसलिए इस समय के दौरान चुनाव कराना उचित भी नहीं था, उपयुक्त भी नहीं था और संभव भी नहीं था। जी हाँ, राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो पार्टी को जम्मू कश्मीर में अपना एक चेहरा पेश करना होगा, क्योंकि लोकसभा के लिए आप पीएम मोदी का नाम दे सकते हैं, लेकिन राज्य में चुनावों की परिस्थिति अलग होती है और ना चाहते हुए भी आपको अपना एक प्रतिनिधि चुनना ही होगा जो आपकी पार्टी का चेहरा बनकर राज्य में आपके लिए वोट मांग सके। हालांकि बीजेपी ने पिछले कई विधानसभा चुनावों में जीत के बाद ही मुख्यमंत्री का नाम फाइनल किया है, लेकिन उस पर भी विचार करने के लिए उसे समय चाहिए। कि कई बार जम्मू कश्मीर में हमने रक्तरंजित चुनाव देखे, सबके मन को दुख होता था, दिल में मलाल होता था कि चुनाव के अंदर रक्त क्यों धरती पर बहा जा रहा है। 40,000 पदों के लिए चुनाव हुआ, अध्यक्ष महोदय, एक भी व्यक्ति की जान नहीं गई है, एक भी व्यक्ति की जान। पूरा संसद का चुनाव हुआ, जम्मू कश्मीर के हर मतदाता ने वोट डाला, अपने मताधिकार का प्रयोग किया, मत प्रतिशत भी बढ़े हैं और हिंसा भी नहीं हुई है। यही दर्शाता है कि स्थिति लॉ एंड ऑर्डर सरकार के कंट्रोल में। गौर करने वाली बात तो ये है कि इन तीनों ही मुद्दों के लिए समय काफी ज्यादा चाहिए और 6 महीने का समय हो सकता है काफी भी हो। धारा 370 और मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर भले ही पार्टी गंभीर ना हो, लेकिन परिसीमन कराने को लेकर मोदी सरकार पार्ट 2 काफी सीरियस है। देखते हैं कि पार्टी कितने समय में कितनी तैयारियां कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।